पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। एक एक की बहू इसी दिवो के में कंधा उसका उल्टी चल लिया करती उन्हें नुकंदे चाल सोनी पर चल लेंगे नुकगी ना बावड़ा हो रहा है गुहाने चल लेंगे उन्होंने कहते चाले आज गुरुजी का प्रोग्राम है साड़ी पैर लेनु बोली बावड़ा हो रहा है साड़ी तो दुनिया ना पैरे पाओगी आज तो मैं तो लच्छा पैर के चल लूंगी मतलब कंधे कुछ करती कुछ उल्टी चल लिया करती इभी सासू तो बैठा गंगा जी का नहान आ गया हरिद्वार चले गए और हरिद्वार नहान लग गए सारे बोले भाई बेल पकड़ कर नहा लो आड़े बैठ कर पड़िया पे वाह वाह कड़म मन थी नु बोली ना भीतर बड़ कर नहाऊंगी इवा भीतर बड़ कर मारे उसने कुछ का और बहनी चाल पड़ी दूर ती चाल पड़ी सारे देखे लकड़ी कोनिया गुणिया वार जब होली भीतर तो पड़गी भाई इब देखा सारे का नूना ना ढूंढ कर की पड़िया तो आगे ती चले गए और आगे ती चले गए ज्वालापुर ती चले गए बर्फ भाई को इब घर फोन मिलाया नु बोला रे भाई साहब बोले हाँ भाई नु बोला बा नाश हो गया नु बोला नाश हो गया क्यों करे नु बोला रे भाभी नहान पड़ी थी गंगा जी में और वह डुबकी मारी थी नु बोले लिकड़िए कोन्या बोला अच्छा रे बोला फिर टोई नहीं भाई था हमने नु बोला रे खूब टोई हमने तो दो दो घंटे हो गए टोंदे मेरठ थी आदमी आदर फोन कर लिया उड़ा छोटी गंगा में देख लियो कदे उड़ा लिकड़िया ही हो नु बोला रे बावले बावले हो तम तो नु बोला वा मेरी सुसरी उल्टी चल लिया करे उन्हें ऋषिकेश के टोका उड़ा पाओगी इबियनो का दना उल्टा चल रहा है उल्टी चल रहा है या भी बोतलो जो मैं रख दिया गया सुधार माई को दो एक महीने थे पैरट बदलवा गए जब जाके तुम क्यों पोल खलवाओ यार है ना ना ठीक बात अरे देखो मैं जनों का दना उल्टी चल रहा है कम सुनता हूँ मगर कदे जाते घर की बात बंदी करा बैठ बतलाई जाने क्यों करो हो मैं कम सुनता हूँ मगर जाते उल्टी चलती हो कह धने हो जगरा करे था मगर भाई कम सुनो मानो जब भी दिक्कत हो जाए ना बड़े आदमी के लिए बड़ी परेशानी हो है एक बार आदमी घर जमाई रहे घर जमाई रहे तो भी बटेऊ का खूब कोट दे मजाक कर ले तो भी उस तो काम के कट्ठे हो काम पर ले बैठे हो कब्र के खाट ले खाट के जीप पर बैठे हो कब्र के और जब वहां में ना वो दूर तक उस तो ऐसा तो नहीं करे बोले बेबे का डुआली अरे सारा न्यू करे उसके लिए कदर होती है के दे बोला बेबे का डुवाली बोला कदे की जूनागढ़ गुजरात से नरसी 15 बाबा और 16 बाबा वो गाड़ी में बन के और सिरसे गढ़वा गाड़ी पहुंच गई है और रुका पड़ जा सब आती आगे और मनसा सेठ ने देखा नहीं बोला मेरे दूर दूर के सेठ साहूकार आऊंगे मेरे रिश्तेदार आऊंगे मैं क्या दिखाऊंगा जो मेरा समझी है इन्हें कहूँ साला हम फूक दे उड़े ले जाओ ठाकुर द्वारे में ठाकुर देवा द्वारे में खरड़ बिछा कर सारे बाबा लुटा दिए और वे कहते हैं हरनंदी की नंद थी वह जवाला वो और दो चार सहेली और गई नहीं ए हरनंदी क्यों मारी नाक कटा रखी है के बाप ए बाबा भाती अरे निवली बाबा भाती किसने बुलाया निवली तेरे भाती कौन बुलावा था अरबा निवली एक मत तीन का भी ले रहे ना निवली वे ताप थोड़े थोड़े लत्ते पर रेशे किसकी तीन ले आवा थे क्या आनंदी उस तेरे बाप ने कर दिया मोटे साले ये मुंड मुंडा खाने पड़े अरे लाल लंगोटिया वाले के पिताजी आपको एक बात का पता है बोल बेटी एक बाप अपनी बेटी के घर पर कदा आकर तने इस बात का तो पता होगा कदा आकर सारी दुनिया में तू अंडे है अपने आप ने बाबा बतावे है और उनू का मैं भगवान की शरण में रहूं हूं लेकिन तने इतना भी ज्ञान नहीं एक मुसीबत के समय में वो कौन सी मुसीबत है जब एक बाप अपनी बेटी के घर आया अगर तू
लेकिन पन सद मोडा नर मूठा गाड़ा चल पड़िया ना अपनी इज्जत राखी ना मेरी इज्जत राखी यार नंदी मेरी मजबूरी रही है मेरी बात सुनिए सुनाइए आजा एक पाप का जाना यो ते हो से दुख बीमारी में ए और नहीं था आवण यारा मन्नू आ गया लाचारी मैं वो बेटी के घर बाप कहना तो से दुख बीमारी मैं और नहीं था आवण यारा मन्नू आ गया लाचारी वो बेटी के घर बाप कहना और नहीं था आवण यारा पिताजी आपने क्या कहा कि और नहीं था कोई आवन आला न्यू आ गया न्यू आ गया लाचारी में अगर लाचारी थी तो उसके और बहुत तरीके हो सकते हैं हमारे समाज में हमारी संस्कृति में और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ये फर्ज निभाए जा सके जिनते और इज्जत पे दाग भी ना लग गए बिना आए बिल्कुल क्या कहना चाहो मेरी बात सुन मेरा प्रण पुगाना था ओ बचाव श्री कृष्ण जी ने पुगाना था देख किस किस ने सुख पाया से बता किस किस ने उस छलिया की यारी में उस छलिया तैयारी करके बैठू अटल अटारी में ओ बेटी के घर बाप तेरा तो से दुख बीमारी में विजय बालाजी हमारे साथी भाई 100 रुपए से इनाम देते हैं बार बार धन्यवाद मेरा छोटा भाई साथी कलाकार है भाई संजय भाई का बार बार धन्यवाद मंडी से और आदरणीय नरेंद्र कौशिक जी के परम शिष्य भी हैं भाई हरिओम बड़ा नाम है भाई का और मेरे पिता तुल्य मेरे ताऊ जी ताऊ लीलू राजेंद्र जी उर्फ लीलू देख ये हो आगरा है ये आगरा माँ बेटे का मम्मी जी माता जी 500 रुपए से 1000 रुपए से दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम देखे अटले तारी मैं बैठन का अटले तारी मैं बैठन का क्यों झूठा विश्वास करे झूठा विश्वास नहीं मेरे वो सब की पूर्ण आस कर पूर्ण आस करने आले ने जाके कड़े तलाश करे तलाश कर
करण की नहीं जरूरत वो घट घट के मवास तलाश करण की जरूरत घट घट में वास करने आला वो नमी चोरी जारी में चोर कहो चाहे चार कहो मेरी सुरती कृष्ण मुरारी में घर से दुख बीमारी और नहीं तो कोई और मेरी बात सुनो पिताजी। बोल बेटी। आप नु को होना के घट घट में वास करे, घट घट के मैं वास करे, और वो आप उसने अपना साथी बताओ, अपना सुचिंतक बताओ, लेकिन नु बता नांगर से माननीय सम्मानित राज सिंह मास्टर जी 1000 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वो इसी इसी रीता ने कोन्या जानता। मेरी बात सुनिए। सुना आजा। या जुकर दुनिया का भूख लाग रही है नहीं वो तेरा लाग रही है। अपनी अपनी बुद्धि तंता का लाओ होगा। आज चक्कर फेरावन चमा भारत में भाई भैया का नाश करावणिया कर बाप का नाश धर्म की नीम धरावण आला से कर बाप का नाश धर्म की रिश्तेदारी में ए बेटी अरनंदी तू इन बाबियां के मत लखा। जब बात का टाइम आओगा जब तो वो आओगा और ईसा बात भर के जाएगा जिसका जिक्र संसार करेगा आप बैठा रिश्तेदारी में ईसा बात वो भर के जागा रुका पड़ जा दुनिया सारी बेटी के घर बाप करना वो से दुख बीमारी आवाज जितंदर राम स्वरूप भी उसका चला तो जास नहीं देख भाई चाहे मेरे आगे माता सुरग सुधार गई अड़क क्या की खातिर के करना से मन हरी की शरण ले रहेगी पपड़े हत्यारी में
थोड़ा होश करे। ये जो दुनिया दिखती है इसके दो रूप हैं। कौन कौन से? इतने दुख देखने की खतरे रहगी, देखने की खतरे रहगी पपड़े प्यारी में। ए चलती काना, चलती काना, चलती काना गाड़ी